यार है बेटे 41.17%, और 5/17 × 100 या गया बेटे 29.41%। आराम से देख लीजिए। पहले केस में 35% से ज्यादा है, इसलिए सेंटीमेंट्स वीक हो जाएंगे, इसलिए प्राइस अर्निंग रेशो 8 हो जाएगी, और दूसरे केस में 10 ही रहेगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटे 8 और 10। तो आइए 25 रुपये 20 पैसे और 29 रुपये 90 पैसे, यही आंसर है, बताइए यही आंसर है। अब आप रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, मैं आगे चलूंगा। 10th हम कर चुके हैं, 10th हम कर चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन जो आप खुद करेंगे तभी बेनिफिट होंगे। जैसे 12th क्वेश्चन है, इसका फुल आंसर दे दिया है, 13th का फुल आंसर दे दिया है, 14th, चलिए 14th का भी फुल आंसर दे दिया मैंने। तो चलिए जी मैं 11th एक करा देता हूं। तो 13th, 14th, 12th, 13th और 13th के तो फुल आंसर दिए हुए। चलिए कोई बात नहीं, 11th क्वेश्चन एक बार देख लें, क्वेश्चन 11th एक बार देख लें, 10th में पहले ही करा चुका था, ठीक है जी। आराम से पर्ल लिमिटेड 11th बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आएगा। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है जी, 11 नंबर। मुझे आपने ये बताना है कि बाकी जितने भी क्वेश्चंस किए अभी तक 10, उन सब में और इसमें क्या डिफरेंस है, उन सब में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये बात बतानी है बेटे। क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो पहली बात मैं चाहता हूं ये लिख लें आप नोट वन में, इन दिस क्वेश्चन टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स इज मिसिंग। इन दिस क्वेश्चन टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स इज मिसिंग, इस क्वेश्चन में फंड्स की टोटल रिक्वायरमेंट मिसिंग है, जैसा पहले क्वेश्चन में दी होती थी। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द सेम, इसलिए ये जरूरी हो जाता है उसको निकालना। वी नो, हमें मालूम है टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स विल बी इक्वल टू
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायरमेंट। बेटे ये तो पहली क्लास में बताया था कि फंड्स क्यों चाहिए। बेटे एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए चाहिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए चाहिए। फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर टू रीजंस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बेटे तभी तो फंड आएंगे टोटल। ठीक है जी, तो चलिए जी शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहली चीज जो मैं लिखूंगा उसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग एस्टीमेशन ऑफ टोटल फंड्स, स्टेटमेंट शोइंग एस्टीमेशन ऑफ टोटल फंड्स। हाउ मच टोटल फंड्स आर नीडेड ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। ईयर वन, ईयर टू एंड ईयर थ्री। बेटे फिक्स्ड एसेट्स और बेटे वर्किंग कैपिटल ऐड कर दे, अगर हम दोनों ऐड कर दें तो यहां पर आ जाएगा टोटल फंड्स रिक्वायर्ड। लो बेटे आराम से, बेटे क्वेश्चन ये नया है, बहुत पहले आया था, मुझे लगता है आ सकता है, इसलिए आप पहले पढ़ लीजिए और देखिए कि जो बातें मैं कर रहा हूं क्या वो बातें आपको समझ आ रही है। आराम से बेटे, बेटे फिक्स एसेट्स तो दिए हुए हैं, और बेटे वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो बेटे अब मुझे स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, करंट एसेट्स निकाल लूंगा, करंट लाइबिलिटीज निकाल लूंगा, जैसे आप एग्जीक्यूटिव में करते थे, रेशियोज दी होती थी, बैलेंस शीट बन जाती थी। तो बेटे वही काम करना है, तो लिखते हैं जी वर्किंग नोट नंबर वन, और हमने वर्किंग अपने चैप्टर में किया भी है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। लो बेटे करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, बेटे रेशियोज दी हुई है, सबसे पहले दी हुई है बेटे कैश एंड डेटर्स टू सेल्स। तो देखते हैं बेटे वर्किंग नोट नंबर टू, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, कैश एंड डेटर्स अपॉन सेल्स, कैश एंड डेटर्स अपॉन सेल्स इज इक्वल टू फोर टाइम्स, चार गुना, चार गुना। बेटे सेल्स तो दी हुई, तो बेटे 2400 चेक कर लीजिए, 600 इंटू चार, 2400 720 इंटू चार, 2880 और 900 इंटू चार, 3600। बेटे कैश एंड डेटर्स आ गए, कैश एंड डेटर्स आ गए रेशो की मदद से।
नेक्स्ट रेशियो देखिए कौन सी दी हुई है, इन्वेंटरी टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटे यहां लिख देते हैं 2400, 2880 और 3600। अब यहां पे आएगा बेटे इन्वेंटरी, तो मैं लिख रहा हूं जी वर्किंग नोट नंबर 3, इन्वेंटरी टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थ्री टाइम्स आराम से बेटे। और बेटे पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये बात तो आपने बचपन से सीखी हुई है। तो चलिए जी शुरू करते हैं ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। एक बच्चा कह रहा है पता नहीं ये मास्टर करता क्या जा रहा है। बेटे कैसी बातें कर रहे हो, मैं टोटल फंड्स निकाल रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल फंड्स दिए ही नहीं हुए थे। और टोटल फंड दो चीजों को जमा करके आते हैं, एक वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स तो दिया हुआ था, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट की रेशियो दी हुई है तो मैं उनकी मदद से निकाल रहा हूं। तो इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चलिए जी बताइए सेल्स कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो यह आ जाएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 600, 720, 900। ग्रॉस प्रॉफिट 30% है, 216, 270, 420, 504, 630, 630। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटे आपके सामने आ गया। अब आप बताइए जी ईयर वन की, ईयर टू की और ईयर थ्री की निकाल लीजिए इन्वेंटरी। ईयर वन की तो मैं क्या कर रहा हूं जी 420 × 3, 504 × 3, 630 × 3, 1260 है जी। बेटे खुद कर रहा हूं कैलकुलेटर से देख लीजिए, 1512 है जी।1260, 1512, 1890। तो बेटे ये तो आ गए बेटे करंट एसेट्स, देख लेते हैं टोटल करिए। यार बेटे 3660, 4392, 5490। अब बेटे करंट लायबिलिटीज है, 3:1 की रेशो है। तो चलिए जी 1830, 2196, 2745। लो बेटे दिस इज ए, दिस इज बी। बेटे करंट लायबिलिटी का टोटल भी उतना ही आएगा और नीचे लिखा हुआ बेटे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल।
1820, 2196, 2745। लो बेटे, क्या रुके हो बेटे, मेहनत लग रही है। मैं चाहता हूं कि आपको फेस टू फेस से ज्यादा क्वेश्चंस कराओ, ज्यादा अच्छा समझाओ, दिल से समझाओ, दिल से दिल तक मेरे बेटे। लेकिन अगर आप पहले से कर लें और फिर देखें तो बहुत फायदा होगा बेटे इन वीडियोस का। तो वर्किंग कैपिटल, अठारह सौ तीस, टू वन नाइन सिक्स, टू सेवन फोर फाइव। लो बेटे, ये आ गया बेटे 2310, 2766, 3405। आराम से बेटे, आराम से। मैंने आंसर लिखा है इक्विटी कितनी इशू करनी है, अभी मैंने निकाला है टोटल फंड्स, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ टोटल फंड्स, देख लीजिए आराम से। ये क्वेश्चन हटके है बाकी सब से, इसलिए इंपॉर्टेंट है, करके जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं करा रहा हूं। अब मुझे निकालना है कि इस फंड्स में से इक्विटी कितनी होगी और डेट कितना होगा। डेट कितना, इक्विटी कितनी, डेट कितना, इक्विटी कितनी। चलिए जी, तो मैं लिख रहा हूं जी, स्टेटमेंट शोइंग डेट इक्विटी मिक्स, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। डेट इक्विटी, और इसको बोलते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा डेट इक्विटी की रेशियो दी हुई है 1:2। मैं ये टोटल फंड यहां लिखूंगा, तेईस सौ दस, तेईस सौ दस, सत्ताईस सौ छियालीस, तेईस सौ दस, सत्ताईस सौ छियालीस। बेटे वहां से कॉपी पेस्ट मार रहा हूं, लास्ट ईयर का देख लेता हूं, टोटल फंड्स कितने हैं, 3405। ठीक है बेटा, खत्म। 1:2 की रेशो बेटे। बेटे ये देखो, 2310, 2746, 3405। एक बात बतानी है जहां पर आप गलती करेंगे फिर आगे चलेंगे। बेटे एक बात ये बतानी है कि वर्किंग नोट में इसको लिख लें, यहां पे बच्चे गलती करते हैं। डेट इज टू इक्विटी लिखा हुआ है, तो डेट अपॉन इक्विटी की रेशियो होनी चाहिए 1:2। इसका मतलब टोटल होना चाहिए 3, डेट 1, इक्विटी 2, टोटल 3। बेटे लेकिन इक्विटी का मतलब आप सब गलत पढ़ते हो बेटे। इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। बेटे इक्विटी तो बहुत बड़ा वर्ड है, बस यहीं पे गलती करेंगे बच्चे, क्योंकि वो इक्विटी को इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ लेंगे, लेकिन इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रॉफिट्स भी आते हैं। आप ध्यान से देखिए,
प्रॉफिट्स आपको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 10% का,